तो जब इंसान बीड़ी, दारू, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा के नशे में धुत रहता है तब भी वह अपने और पराये को पहचान कर लेता है, लेकिन जब वह हवस के नशे में चूर रहता है तो उसे हर महिला मियाँ खलीफा नजर आती है। फिर उसके सामने चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, वो उसके साथ शारीरिक शोषण, उसका रेप, बलात्कार करने से कतई पीछे नहीं हटता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है ये है, बिहार का एक जिला लगता है सीवान जिला, और इसी जिले का एक इलाका है दरौली थाना क्षेत्र। दरौली थाना क्षेत्र में योगेंद्र राय, जिसकी उम्र होती है 50 वर्ष, ये पहले अपनी पति का लगातार 20 साल तक शोषण करता रहता है, उसको मारता रहता है, पीटता रहता है, धमकाता रहता है, और जब चाहे जब मन आए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है, और उसे उसकी जो लाइफ है पूरी वो स्लैब की तरह बिताता रहता है, और वो कहता भी है कि जो महिलाएँ हैं ये जो मर्द हैं उनकी गुलाम होती हैं। तो इस तरीके से जो चंपा देवी है उसकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, और समय से पहले उसकी जो हालत है गंभीर हो जाती है, यानी समय से पहले उसकी हमें जो हालत है ऐसी लगने लगती है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है। वहीं योगेंद्र राय, जिसकी उम्र 50 वर्ष होती है, अब वो कहता है अपनी पत्नी से कि अब तुम्हें रेस्ट मिल सकता है। क्यों ऐसा इसलिए कहता है, क्योंकि जो उसकी बेटी होती है वो कितनी 15 वर्ष की होती है, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। और एक दिन अचानक होता ये है कि रात में जब उसकी बेटी सो रही होती है, अचानक ही उसके पिता अंदर आते हैं और उसके मुँह पर कपड़े डालते हैं, कपड़े से मुँह को टूस देते हैं ताकि आवाज़ ना निकले, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, शोषण करते हैं और पूरी रात भर करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब वह अपनी मदर को बताती है तो उसकी मदर हैरान नहीं रहती इस बात को सुनकर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पिताजी पहले ही कहा करते थे कि अब तुम्हें आराम मिल गया क्योंकि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। फिर दूसरा दिन होता है, दूसरी रात भी यही चलता है। इसके बाद फिर जो कोमल है, जिसकी उम्र होती है 15 वर्ष, ये अपना इसका एक भाई भी होता है, ये जिसका नाम होता है आदित्य, यह 18 वर्ष का होता है, उसे अपनी आप बीती बताता है। क्योंकि आदित्य की नज़र पहले से ही थी कोमल पर कि कैसे न करके वो अभी अपनी हवस की पूरी कर पाए, जब वो उसको बताती हैं तो फिर क्या होता है, आदित्य भी उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता। अब होता यह है कि एक दिन योगेंद्र राय को पता चल जाता है कि मेरा बेटा भी और मैं भी उसके साथ संबंध बना रहा हूँ, तो वो कहता है कि अभी हम जो है तुम्हारी जो बहन छोटी है, दो लोगों को अगर करते हैं तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एक एक करके अल्टरनेट डेज में उसके साथ रिलेशन संबंध बनाते रहते हैं, यानी दरिंदगी की हदें पार कर देते हैं। फिर एक दिन होता यह कि उनकी माँ चंपा देवी बताती हैं कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। तब वह कहती है चंपा देवी कि क्यों ना हम अपनी बेटी को ही मार दें। तब जो है योगेंद्र राय कहता है कि मारेंगे नहीं इसको, हम लोग क्या करेंगे, इसका अबॉर्शन करवा देंगे, पैसे का इंतज़ाम हम कर देते हैं। तब 7,000 रुपये में ये लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ पर अबॉर्शन करवा देते हैं। इसके बाद अबॉर्शन के होता है दिन में, तो जैसे ही वो अबॉर्शन के बाद शाम को घर आती है तो ये इतने दरिंदे हैं जो इसका बेटा हो गया और जो बाप हो गया, कि अबॉर्शन के बाद जैसे ही वो घर आती है तब फिर से ये लोग अपनी हवस की भूख पूरी करने के लिए फिर से जो है संबंध बनाते हैं। तब होता क्या है कि वो कहती है कि मरना तो है ही, यानी जो कोमल है बेटी 15 वर्ष की, वो कहती है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ करके मरे। तब होता ये कि रात तो कैसे भी कट जाती है, सुबह होती है और वो जाती है पुलिस थाने चलकर। जाते जाते पुलिस थाने में पहुँचती है और पुलिस थाने के सामने ही वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इसके बाद पुलिस वाले उसको उठाते हैं और पुलिस वालों को वो अपनी सारी आपबीती बताती है। तब पुलिस वाले इसको सुनकर रोने लगते हैं कि आखिर कैसी हैवानियत, कैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी इस लड़की ने जी है, वो भी रोने लगते हैं। फिर होता क्या है कि पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस जो हो गया बेटा आदित्य,
योगेंद्र राय जिसकी उम्र 50 वर्ष, उसको और उसकी माँ चंपा देवी और साथ ही जिस क्लिनिक में इन्होंने अबॉर्शन करवाया था उस महिला डॉक्टर को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बीड़ी सिगरेट, दारू, चरस, गांजा इन सब से भी कहीं ज़्यादा बड़ा नशा होता है हवस का नशा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।